सिवान जिला के मैरवा थाना क्षेत्र के नौका टोला गांव में गेहूं के खेत में अचानक आग लगने से एक किसान के 150 बोझा फसल जलकर राख हो गया। सूचना पर स्थानीय लोग और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगलगी की घटना के बाद स्थानीय पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई। पीड़ित किसान हरिवंश कुशवाहा है। उन्होंने बताया कि गेहूं काटकर खेत में 150 बोझा रखे हुए थे, जो असामाजिक तत्वों द्वारा गेहूं के बोझा में आग लगाकर फरार हो गया। सूचना पर जैसे ही पहुंचे तब तक आग ने गेहूं के बोझा को जलाकर राख कर दिया था। उसने स्थानीय प्रशासन से अगलगी में हुई क्षति का मुआवजे की मांग किया है। अरे कौन जानता है कैसे लगा भाई, क्यों आग लगला करी कुछ पता चला कि मेरे बाप कर फेंक दिया होगा। अच्छा हां तब आप ही का खेत है? खेत हमारा नहीं है, रखे थे आप कितना बोझा था आपका? 150 था। 150 था। सारा बोझा जल गया है? सारा बोझा खत्म हो गया। कैसे आप लगा के बुझा है? मिट्टी से पानी दिए है उसको, अच्छा कंट्रोल में, फिर फायर भी रहा है वो पूरा पूर्ण रूप से मिटा, मतलब बुझा दिया है। अच्छा प्रशासन आई है मौके? हाँ, मौके प्रशासन आई है। क्या मांग करेंगे आप लोग? मुआवजा मिल जाए और क्या करें, गरीब आदमी है। कैसे आग लगा हुआ था यहाँ पे? अज्ञात में लगा है। अच्छा क्या खेत में आग लगा हुआ है? फसल में 150 समथिंग बोझा था। अच्छा कोई शायद बीड़ी चाहे सिगरेट पता नहीं कैसे लगा, हम लोग बाद में मालूम चला। अच्छा फोन किए 112 नंबर पे तो वो बताया कि 102 पे करिए। अच्छा फिर ये फायर वाला आए हैं। अच्छा बाकी सब कुछ कंट्रोल में। ये किसका खेत है? ये अभिलाष बाबू का है। कहाँ गए हो? उनका पूरा नाम बताइए क्या है? उनका पिताजी का नाम गुडू कुशवाहा ना, हरिवंश सिंह। हरिवंश सिंह? हरिवंश सिंह। उनका क्या नाम है जिनका खेत है? हरिवंश सिंह नाम उनका। ठीक जिनका खेत है 150 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